मौजूदा कोरोना संक्रमण काल में वंचितों तक राशन और अन्य सरकारी सहायता पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसकी कामयाबी के पीछे कोरोना वॉरियर बैंक कर्मी, डाक कर्मी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों का सक्रिय योगदान है। कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर आजकल राज्य भर में जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को जगह जगह राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं सोचा है कि यह अनाज और खाद्यान्न की आपूर्ति जन वितरण प्रणाली की दुकानें तक कैसे हो रही है। दरअसल कोरोना वॉरियर हैं जो विषम हालात में भी अपनी जान की परवाह किए बिना जन जन तक राशन पानी पहुंचा रहे हैं। सरायकेला जिला खाद्य आपूर्ति विभाग और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कोरोना वॉरियर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1.25 लाख क्विंटल अनाज के साथ साथ 2 महीने का करीब 1674 क्विंटल एडवांस अनाज जिले के 17 लाख लोगों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन पीरियड जब से स्टार्ट हुआ है 25 मार्च तब से लेके और पिछले ये लगभग 34 दिन हम लोग ऑफिस बंद नहीं किया था। लगभग 34 दिन लगातार हम लोग सुबह 8:30 बजे से काम स्टार्ट करके रात के 8:30 9 बज जाता था घर पहुंचते पहुंचते, और इस दरमियान में हमने दोनों जगह के रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को लगभग 1 से 1.25 लाख क्विंटल यानी कि 2.5 लाख पैकेट चावल गेहूं मिला करके दोनों जगह इशू किए हैं। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल और मई माह का स्पेशल रिलीज ऑर्डर आया था वो हमने पूरा दे दिया है। अब आप जानिए कि अनाज वितरण की यह प्रणाली कैसे काम करती है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लोगों की जिम्मेदारी सरकार द्वारा भेजे गए अनाज को संभाल कर रखना एवं उचित माप तौल के साथ जिला के पीडीएस दुकानों तक पहुंचाना है। तो वहीं दूसरी ओर जिला आपूर्ति विभाग एक एक पीडीएस दुकानों में जाकर अनाज वितरण की लगातार निगरानी करते हैं ताकि लाभुकों को कोई परेशानी न हो कि हर घर और हर गरीब परिवार को सही मात्रा में और ससमय अनाज मुहैया हो जाए। इसके लिए केवल ऑफिस में बैठकर कार्य करकर यह कार्य कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए प्रतिदिन हम लोग ऑफिस के कार्य के बाद फील्ड में निकल रहे हैं और जो पीडीएस दुकान है उसका लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं, और इसमें जो भी कमियां पाई जा रही है चेतावनी दे रहे हैं डीलर को या उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक हमारे जिला में पिछले 15 दिनों के अंदर लगभग 2 माह का राशन वितरण किया गया है और इसके तहत लगभग 17 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं जिनको अनाज पीडीएस के माध्यम से मुहैया कराया गया है। राशन आपूर्ति की चेन बरकरार रहे इसके लिए वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में अथक काम होता है। कभी कभी कर्मचारियों और मजदूरों को 24-24 घंटे काम करना पड़ता है जिसके बाद यह व्यवस्था ठीक से धरातल पर उतरती नजर आती है। सभी बातों में सोशल सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन और पूरा ध्यान रखा जाता है। खाद्य निगम को काम करते हैं, वो लोड डाउनलोड करते हैं और हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाते ही चलते हैं। कितना लोड अनलोड करते हैं? बहुत सा बोरा करना पड़ता है, 8-10 हजार क्विंटल लोड अनलोड करते हैं हम लोग। कोरोना आपदा से जिस प्रभावी तरीके से समूचा भारत निपट रहा है उसमें निश्चित रूप से पर्दे के पीछे के कुछ बड़े योद्धाओं का बड़ा योगदान है। अगर खाद्य आपूर्ति विभाग और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के ये कोरोना वॉरियर नहीं होते तो हालत क्या होती या कोरोना काल में सहज समझा जा सकता था। सरायकेला से अनूप के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट।